हाल आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी में आज झमाझम बारिश हो सकती है। कई जिलों में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते गर्मी से निजात मिली है। इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि हवा के ऊपरी चक्रवात के रूप में भाग में चक्रवात के रूप में मौजूद है, जिसके चलते जबलपुर, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग में बारिश के आसार बन रहे हैं। मध्य प्रदेश से बंगाल की खाड़ी तक मॉनसून ट्रफ लाइन जा रही है। हालांकि 6 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है, और ये वो जिले हैं सीधी, रीवा, सतना, दमोह, अशोकनगर। 23 से 37% तक कम बारिश हुई है। आने वाले समय में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में भी झमाझम बारिश होगी। हालांकि आज राजधानी भोपाल में तेज बारिश की संभावना जरूर मौसम विभाग ने जताई है। कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन कई जिलों में अभी भी मौसम साफ बना हुआ है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन शाम होते होते जोरदार बारिश राजधानी में हो सकती है, और दूसरी तरफ जबलपुर, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग में भी बारिश के आसार है। चलिए मौसम का ताजा हाल जानते हैं। सीधे रुक करते संवाददाता सूरज शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है और किस तरह का मौसम बना रहेगा फिलहाल? देखिए, मौसम विभाग की चेतावनी जरूर है, लेकिन ये मध्यप्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे मध्यप्रदेश में औसत बारिश कम हुई थी, लेकिन अब लगातार बारिश के चलते बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है, दो साइक्लोनिक सिस्टम मध्यप्रदेश में बने, उसी चक्रवात के चलते मध्यप्रदेश के कई जिले भीगते नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ 5 या 6 जिले ही बचे हैं जो रेड जोन में है, कह सकते हैं जो औसत से कम बारिश इन क्षेत्रों में हुई है। तो इनमें खासतौर से हम कह सकते हैं पूर्वी मध्यप्रदेश के कई जिले हैं, 5 से 6 जिले जो डेंजर जोन में। भोपाल मैं औसत बारिश हो चुकी है, कह सकते हैं जो लगभग 14 से 15% बारिश कम हुई थी वो लगभग अब पूरी होने वाली है। आने वाले समय की बात करें तो नर्मदापुरम की बात हो, भोपाल की बात हो, इंदौर संभाग की बात हो, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश तो कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि राजधानी का भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो भी लगभग फुल टैंक लेवल पर आ चुका है, जिसके चलते भदभदा जो डैम है उसके 2 गेट खोले गए हैं। तो कुल मिलाकर लगातार अभी माना जा रहा है कि 1 हफ्ते तक मध्यप्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जो कि मध्यप्रदेश के लिए, किसानों के लिए, फसलों के लिए और आम जनता के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।